उसके बाद 3.2 में मेजर टॉपिक जो है, जिसके सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चन अगर आप देखो 70% 3.2 के क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से हो रहे हैं। 70% भी मैंने कम बोल दी है, 80-90% उसी से हो रहे हैं। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले आपने जिंदगी में बहुत दफ़ा पढ़े हैं, बचपन से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हुए आ रहे हो। एक तो आपने वो बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, उसी फॉर्मूले से आपने ट्रिग्नोमेट्री में 3 केसेस बनाए थे, अभी हम पढ़ेंगे भी फर्स्ट ईयर में, जब 2 एंगल गिवन हो या 1 साइड गिवन हो, जब तीनों साइड गिवन हो या 2 साइड 1 एंगल गिवन हो तो आप किस तरह निकालोगे। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला वेक्टर की फॉर्म में भी है कि 2 वेक्टर गिवन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, 2 से डिवाइड कर दो, एरिया आ जाएगा। तो हर मेथड, हर फॉर्मूला डिपेंड करता है आपके पास डाटा क्या गिवन है। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं ये आप उस वक्त यूज करोगे जब आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता है और आपको उसका एरिया निकालना है, तो तब आप ये मेथड यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है, 1/2 डिटर्मिनेंट, पहले पॉइंट की एक्स और वाई वैल्यू, दूसरे पॉइंट की एक्स और वाई वैल्यू, तीसरे पॉइंट की एक्स और वाई वैल्यू, और आखिरी पे आप 1/1 लगाओ, डिटर्मिनेंट क्लोज। तो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। इस पूरे डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3.2 का, वो इसी टॉपिक से हो रहा है, उसमें एग्जांपल्स भी लिखी हुई है शुरू की, 1-2 जो एग्जांपल्स है ट्राई कर लेना। इसमें बस ट्राई करने की चीज़ है कि डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए, अगर डिटर्मिनेंट आता है ना तो फिर मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। यार एक चीज़ जहन में रखा करो, आप लोग जो नाम मुझे बताए हुए ना उसी नाम से आया करो, अभी क्योंकि बहुत अजीब नाम से आ रहा था मैंने उसको ऐड नहीं किया हुआ, तो अपने नाम से आप लोग एंटर हुआ करो, आप लोग तो खैर एंटर होते ही हो नाम से, वैसे ही बता रहा हूँ। अच्छा तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, आपके पास अगर 3 वर्टिसेस गिवन हैं तो पहले पॉइंट की एक्स वाई वैल्यू पुट करो, दूसरे पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की। इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना जो तरीका होता है, जो आंसर आए उसको 2 से डिवाइड करना, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में एक पॉइंट है, वो ये है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अगर 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, जैसे अगर देखो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ ट्राइंगल बन रहा है और कुछ एरिया भी बन जाएगा अंदर ट्राइंगल के, ठीक है, ये पूरा एरिया है। लेकिन लेट कर लो इस पॉइंट को उठा के मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे लेट कर लो, यहाँ पे ले आया, तो अब अगर आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल थोड़ा सा रह गया क्योंकि पॉइंट नीचे आ गया। तो कंसिडर करो अगर इस पॉइंट को मैं इस लाइन के ऊपर ही ले आऊंगा, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ जाएंगे, तो अब तो कुछ एरिया बचेगा ही नहीं। इसका मतलब जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में बात भी पूछी जा सकती है और आपके 3.2 में क्वेश्चन नंबर 12 भी है इसका, उसमें लिखा हुआ है प्रूफ बाय मेथड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा हाँ, ये टॉपिक एक रह गया था यार, चैप्टर नंबर 2 के अंदर मुझे बताना चाहिए था, एकदम से मुझे याद आया। चैप्टर 2 के अंदर एक टॉपिक होता है कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कैसे पता करोगे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है आप निकालो स्लोप ऑफ ए बी और आप निकालो स्लोप ऑफ बी सी, ये आपको 2.5 में क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर स्लोप ऑफ ए बी बराबर हो जाए स्लोप ऑफ बी सी के, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट जो है वो क्या है, कोलिनियर है। तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए एक मेथड ये भी होता है कि आप स्लोप ऑफ ए बी और बी सी निकालते हो, अगर वो इक्वल हो जाए तो वो शो हो जाएगा कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं। या आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से भी प्रूफ करते हो, कैसे, कि अगर 3 पॉइंट्स के दरमियान आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब भी ये बनेगा कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। दोनों मेथड से आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली ये वाला मेथड ईजी है, या आप आसानी से प्रूफ कर लोगे, ये वाला मुश्किल है, डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। 3.2 में यही है, उसके बाद जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल था तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है बस। एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपके पास 3/3 का डिटर्मिनेंट बन रहा है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का डिटर्मिनेंट ईजी हो जाएगा। अच्छा क्वाड्रिलेटरल में ये सिंबल नहीं यूज़ करते आप, एरिया लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 1/2 x1 - x3 x2 - x4 y1 - y3
वाई टू माइनस वाई फोर, तो ये टू बाई टू का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना तो ईजी है। अच्छा तो आप लोगों को मैं ये बता रहा था कि ये टू बाई टू का डिटर्मिनेंट है और ये थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट है। तो फॉर्मूला इसका क्या है कि भाई क्वाड्रिलेटरल होता है, फोर साइडेड फिगर, तो आपको चार वर्टिसेस गिवन होंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, बस सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर, वैल्यूज पुट करो सब्ट्रैक्ट करो। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ से करना, आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना, डिवाइडेड बाई टू कर देना। अच्छा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इन फॉर्मुलों में डिवाइडेड बाई टू का, ये मैं अपनी दफ़ा बहुत मिस करता था, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मुले में मुझे ये चीज़ याद रहती थी, मैं टू से डिवाइड करना ज़्यादातर भूल जाया करता था। तो उन्होंने एम सी क्यूज़ में ऐसे तेज़ है, उन्होंने एम सी क्यूज़ भी ऐसा दिया होता है कि अगर एक आंसर है 20 तो दूसरा आंसर 10 होगा, तो मे बी डिटर्मिनेंट जब आप सॉल्व करो तो आपका 20 आंसर आ रहा है, आप फौरन ठीक कर दो, हालांकि जब आप उसको डिवाइड करोगे 2 से तो 10 आंसर आ रहा होगा। तो ये मैंने नॉर्मली देखा है, इसमें ये हो रहा होता है, तो ध्यान रखना आपने 2 से डिवाइड भी करना होता है और इधर भी 2 से डिवाइड करना है। तो 3.2 के यही टॉपिक हैं, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल के रिलेटेड सारे सवाल थे जो कि ऑब्वियसली सब्जेक्टिव में आएंगे, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आ सकते वो। तो कोई इशू है यहाँ तक तो पूछ लो। कौन से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अच्छा ये मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पूरे डिटर्मिनेंट को ही कंसीडर नहीं करना, ये 1/2 भी कंसीडर करना, क्योंकि लोग कैलकुलेशन करते हुए ना 1/2 को भूल जाते हैं, तो उससे नुकसान ही होगा कि अगर आपका असल में आंसर 10 आना चाहिए तो आपका 20 आ रहा होगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर रहे होगे और इसका जो भी आंसर है वो आप टिक कर आ जाओगे, आप भूल जाओगे कि 1/2 भी इसके अंदर मौजूद है। ये मेरे साथ ज़्यादातर होता है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, 1/2 को कंसीडर करना, मैं डिटर्मिनेंट का जो भी आंसर होना उसको 2 से लाजमी डिवाइड करना। सर क्वाड्रिलेटरल वाला सवाल सब्जेक्टिव में आता है? नहीं नहीं यार, बहुत ईजी है, आपने वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, जब ये आ सकता है वो एम सी क्यूज में तो ये क्यों नहीं आएगा। मैं कंसीडर कर लेता हूँ, तुमने पूछ लिया तो अब मैं हल्का सा बता देता हूँ। मुझे उम्मीद ये है कि तुम लोगों को आनी चाहिए चीज़ें, ये तो सब बुक के सवाल हैं, लेकिन पता नहीं पेपर से पहले भी तुम लोगों की तैयारी ऐसी है, क्या कर रहे हो तुम लोग अपने साथ। ये सब बुक के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, जैसे क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है, ये वर्टिसेस गिवन है, जरा मुझे देखना है इसकी लेंथ कितनी है, तो खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ पर आएगा। ये चार वर्टिसेस गिवन है, निकालना है आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या है ये, ये एक्स वन हो गया, एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, तो आउटपुट कर दो इस फॉर्मूले में, एक्स वन माइनस एक्स थ्री, थ्री माइनस वन टू, एक्स टू माइनस एक्स फोर सेवन, माइनस माइनस पॉजिटिव थ्री, सेवन प्लस थ्री टेन के बराबर। फिर है वाई वन माइनस वाई थ्री, वाई वन माइनस वाई थ्री, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, वाई टू माइनस वाई फोर, फाइव माइनस फोर वन के बराबर। टू को वन से करो टू, टेन को माइनस फाइव से करो माइनस फिफ्टी, फॉर्मूले का भी फिफ्टी है, वो फॉर्मूले का भी माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 26। 3.2 का टॉपिक कंप्लीट हो गए, 3.3 का टॉपिक रह गया। 3.3 आप लोगों की कैंसिल हो गई है, तो आप लोगों को ये पहले आपने नहीं पढ़े होंगे, मैं कोशिश करूँगा ईजी करके बता दूँ, 15-20 मिनट के टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले 3.3 का टॉपिक क्या था, 3.3 में अब ये आप लोगों ने सिंध बोर्ड वाले बच्चों ने नाम ही पहली दफ़ा सुना है, हालांकि बुक में मेंशन है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, मतलब मैं बताता हूँ क्या है इसका, सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। सबसे पहली बात, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करने के डिफरेंट तरीके हैं, मैं सबसे इजी वाला बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ये जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, होमोजेनियस इक्वेशन वो होती है कि जिसमें आप अगर सब टर्म को कंसीडर करो ना, सब टर्म की पावर निकालो। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि पावर सिर्फ एक वेरिएबल की होती है, आपने ये 8 या आई गेस 10 क्लास में पढ़ा था अलजबरा के अंदर कि अगर एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर एक टर्म के अंदर 2-3 वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, साथ जेड भी आ रहा है, तो आप सबकी पावर को ऐड करोगे तो पूरी टर्म की वो पावर मानी जाएगी। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, तो इस पूरी टर्म की अगर मैं बात करूँ तो इसकी पावर 2 बन जाएगी।
ठीक है, इसी तरह इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है। तो अगर आप इन तीनों टर्म में देखो, तीनों टर्म की पावर क्या है, 2 है। तो होमोजेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें सब टर्म्स की जो पावर है वो क्या होंगी, सेम होंगी, तो उस वाली इक्वेशन को आप बोलोगे होमोजेनियस इक्वेशन। दूसरी चीज है सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री का मतलब आपको देखने में लग रहा है सबकी पावर क्या है, 2 है, तो 2 से आप सेकंड डिग्री बोल दोगे। अगर सबकी पावर 1 होती तो आप फर्स्ट डिग्री बोल देते, सबकी पावर 3 होती तो आप थर्ड डिग्री बोल देते। और एक्स एंड वाई का मतलब एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो ये सबसे बेसिक टॉपिक था 3.3 के अंदर। सर हम तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग टायर कर रहे हैं, तो ई कैट के टायर भी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट होंगे? देखो ई कैट में यूनिवर्सिटी ने किसी ने नहीं कहा, इवन जो एनएडी का तो नहीं हुआ, नर्स का जो हुआ है उसे मैंने ऐसे कहीं नहीं सुना कि रिड्यूस उन्होंने दिया नहीं है, किसी ने ऐसे पॉलिसीज नहीं बनाई भी। हाँ ये हो सकता है कि मे बी जो चैप्टर कैंसिल हो गए उसका उन्होंने कम पोर्शन दिया हो, लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाले फॉलो कर रहे हैं हम रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट देंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी में नहीं होता। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा। यार बोर्ड एग्जाम को देख लो यार, आप लोग अपने मॉडल पेपर को उठाओ, उसमें सेकेंड ईयर में फंक्शन का एक एमसीक्यूज दिया हुआ है, और भी एक दो है मेरे जहन में नहीं है, फंक्शन का पोर्शन तो आप लोग कैंसिल हो गया है। तो आपके अपने मॉडल पेपर में उन्होंने फंक्शन का दिया हुआ है जो कि टॉपिक कैंसिल किया हुआ है उन्होंने, तो ये एमसीक्यूज यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, इसलिए इस तरह ना करो। ये आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की इन एक्स एंड वाई, पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जरा ये देखो कि ये 3.3 का टॉपिक क्या है और ये स्ट्रेट लाइन से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर का नाम देखो तो वो होता है ना जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है, तो वो उसमें ये कहां से आ गया। तो यार स्ट्रेट लाइन पर अगर आप इसको लेकर आओगे तो ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है ना सेकंड डिग्री की, ये रिप्रेजेंट करती है टू लाइंस को, रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये उन दोनों स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन है, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। कौन सी दो स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही हैं? एक लाइन इस तरह होगी कोई और एक लाइन इस तरह कर रहा हूं, किसी भी डायरेक्शन में बस ओरिजिन से पास करनी चाहिए वो। तो ये वो दो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हैं। कंसीडर कर लो एक लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, यहां पर मैंने प्लस सी ऐड नहीं किया, क्यों? ये ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से जो लाइन पास करती है उसमें कॉन्स्टेंट नहीं होता, इसको ए वन बी वन कह लो और इसकी इक्वेशन को ए टू एक्स प्लस बी टू वाई कर लो। तो अगर आप इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन मालूम करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास यही वाली फॉर्म आ रही होगी। तो ये जो होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है ना, ये रिप्रेजेंट करती है टू स्ट्रेट लाइन को जो पास कर रही है ओरिजिन से। ये बेसिकली टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। अब फिर फर्दर टॉपिक क्या आ गया, सबसे पहला आपको टॉपिक मिल जाएगा कि जो दो लाइन्स हैं इनके अगर आपने सम ऑफ स्लोप निकाल लें, ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि आप इन दोनों लाइन के सम ऑफ स्लोप निकालो, क्योंकि ये दोनों लाइंस है ना तो इसका भी कोई ना कोई स्लोप होगा, इसका भी कोई ना कोई स्लोप होगा, तो आप सम ऑफ स्लोप कैसे निकालोगे इसका? उससे पहले 3.3 का एक सवाल है, वो जरा मैं आपको बता देता हूँ, वो पहले समझ लो। पहला क्वेश्चन ही है वो, बहुत ईजी है इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जैसे इक्वेशन पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स वाई प्लस 6 वाई स्क्वायर। अब सवाल यह है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड जॉइंटली बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब वो कहना है जा रहे हैं कि जॉइंट इक्वेशन है, आप हमें वो उन दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ जिनकी जॉइंट इक्वेशन ये है, मतलब अलग अलग दोनों की इक्वेशन वो आपसे पूछ रहे हैं। तो कैसे निकालोगे? सिंपल, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते थे ना, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, दो वेरिएबल के अंदर है, तो उसी तरह इसको सॉल्व करो। कैसे? आप मिडिल टर्म ब्रेक कर दो, 1 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 के दो फैक्टर बनेंगे माइनस 2 माइनस 3, तो आपने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। शुरू के दो टर्म से x कॉमन ले लो, बाकी की दो टर्म से माइनस 3y कॉमन ले लो, एक इक्वेशन आ रही है x माइनस 2y, दूसरी इक्वेशन आ रही है x माइनस 3y, दोनों को आप इक्वल टू जीरो रखो, एक इक्वेशन होगी x माइनस 2y इक्वल टू जीरो और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू जीरो। तो ये वो उन दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही हैं
और इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन ये वाली है। तो अगर ज्वाइंट इक्वेशन से आपको उन इंडिविजुअल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो ये पूरा मेथड होता है, ठीक है। अच्छा, अब कितने सवाल ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों को क्या बताने लगा था, सम ऑफ स्लोप का। मतलब एक तो तरीका ये है कि आप पहले इन इक्वेशंस को मालूम करो, फिर इक्वेशन से इनके स्लोप निकालो, फिर आप उन स्लोप को सम करो, तो ये लंबा प्रोसेस है पूरा। इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या है सम ऑफ स्लोप का, कि मतलब जो दो लाइंस हैं उनके स्लोप का सम क्या है, फॉर्मूला है माइनस टू एच अपॉन बी। बस बहुत इजी फॉर्मूला है। अब सवाल है कि इसमें एच और बी क्या है, तो जैसे इक्वेशन गिवन है आपके पास, इसमें ए बी एच तीन चीजों की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए आपको। कैसे निकालोगे भाई, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशियंट है जरा ऊपर देखो वो ए के बराबर होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, इसका मतलब ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक्स वाई के साथ जो भी चीज लिखी हुई है वो किसके बराबर होगी, 2h के बराबर होगी। तो यहाँ पे एक्स वाई के साथ लिखा हुआ है माइनस 5, तो इसका मतलब 2h बराबर हो गया माइनस 5 के। इसी तरह वाई स्क्वायर के साथ जो भी चीज लिखी हुई है वो किसके बराबर होगी, बी के बराबर होगी। बस सही है, यहां से आप 2h की वैल्यू निकाल लो वो तो आ गई है, अगर h की निकालना चाह रहे हो तो 2 को डिवाइड कर दो, तो बड़े इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो सम ऑफ स्लोप कैसे निकलेंगे इसके, माइनस 2h, 2h ऑलरेडी नेगेटिव है, डिवाइड बाय b, b यहां पे 6 आया, तो सॉल्व करो माइनस माइनस पॉजिटिव 5/6, तो इन दोनों लाइन के जो सम ऑफ स्लोप आए हैं वो क्या आए हैं, 5/6 आए हैं। लेट कर लो अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फॉर्मूला है a अपॉन b, a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 6 है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट 1/6 के बराबर आ गया। तो ये जरा टॉपिक आपने ये देख लिया, लाइंस की इक्वेशन कैसे मालूम करनी है, सम और प्रोडक्ट कैसे मालूम करना है। अब तीसरा टॉपिक है नेचर ऑफ लाइंस। नेचर ऑफ लाइंस का मतलब कि आपको एक ज्वाइंट इक्वेशन गिवन है, अब वो ज्वाइंट इक्वेशन किसी दो स्ट्रेट लाइन की है ना, तो उन दो स्ट्रेट लाइन की नेचर क्या है, वो दोनों रियल हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से या नहीं है, अच्छा इमेजिनरी है या नहीं है, तो ये नेचर है। जैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में नेचर ऑफ रूट्स बताते थे, यहाँ पे रूट्स नहीं है, यहाँ पे असल में लाइंस आ रही है ना, तो इसलिए हम लाइंस बोलते हैं। तो इसकी नेचर क्या होगी, अगेन यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करते हो तो इसमें भी एक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसा इस टाइप का आता है, नीचे में ख्याल में 2b होता है शायद, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, ये आपको कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मिलता जुलता नजर आएगा। तो इसके अंदर भी रूट के अंदर जो टर्म है ना उसको आप डिस्क्रिमिनेंट कहते हो, लेकिन एमसीक्यूज में नॉर्मली ये इतना पूछा नहीं जाता फॉर्मूला, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है। जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें जो रूट के अंदर आता है वो काम की चीज़ है, अगेन क्या कहोगे आप उसको, डिस्क्रिमिनेंट कहोगे। वो क्वांटिटी है वो आपको नेचर ऑफ लाइंस बताएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर है एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो पहली वैल्यू अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब लाइंस जो है वो रियल हैं और साथ साथ डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट का वर्ड आपको बाद में समझ आएगा कि एक जैसी भी हो सकती हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है इसका मतलब लाइन जो है वो रियल हैं एंड इक्वल हैं। इसके लिए इक्वल नहीं यूज़ करते हम, कोइंसिडेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि इक्वल का वर्ड आप नंबर्स के लिए यूज़ करते हो, जैसे रूट्स होते थे ना, रूट्स इक्वल हैं, और आप डिफरेंट को अनइक्वल बोलते थे। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है लाइन की, तो लाइन डिफरेंट होंगी, जैसे ये दोनों डिफरेंट लाइंस हैं। अब सवाल ये कि कोइंसिडेंट क्या होती हैं, मैंने पहले भी बताया था, ऐसी लाइन जो एक दूसरे के ऊपर लाए करती हैं, एक लाइन अगर इस तरह बनी हुई है तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर लाए कर रही है। तो अब ये दोनों डिफरेंट नहीं है बल्कि ये दोनों कोइंसिडेंट है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तब रियल और कोइंसिडेंट हो जाएंगी लाइन। और तीसरा केस ये है कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तो लाइंस क्या हो जाएंगी, इमेजिनरी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट के सवाल आ सकते हैं। ये भी आ सकता है कि आपको किसी लाइन के बारे में बताना हो कि इसका नेचर क्या है, तो उस फॉर्मूले को कंसीडर करो, आप h की वैल्यू निकालना, जैसे इस इक्वेशन में h की वैल्यू माइनस 5/2 आएगी, उसका स्क्वायर करना, फिर माइनस a मल्टीप्लाई बी। इस पूरी चीज को जैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कैलकुलेट करते थे ना डिस्क्रिमिनेंट को, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, वैसे ही कैलकुलेट करना और देख लेना, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो ये, लेस देन जीरो आ रहा है तो जो आएगा वो आप कर लेना। तो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, असल मसला ये कि एच ए बी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, वो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दी है कि आप किस तरीके से
निकालोगे। अभी जो कोइंसिडेंट की कंडीशन है ये एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफी पूछते हैं, ये इस दफा पता नहीं पूछे ना पूछे क्योंकि कैंसिल हो गई है ये। लेकिन कोइंसिडेंट की कंडीशन ये वाली है कि जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है ना, तो वो इस तरह लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। आप इनको इस तरह भी बोल सकते हो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, इस तरह भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, या डी करके नहीं ज्यादातर पूछते, एच स्क्वायर माइनस ए बी करके पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो है इसका मतलब लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है। तो ये कंडीशन तो आपने ऑलरेडी देखी हुई है। एक और कंडीशन याद रखनी है वो परपेंडिकुलर की, कि अगर ए प्लस बी जीरो के बराबर है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अगर इन दोनों को ऐड करो रिजल्ट जीरो के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं आपस में। परपेंडिकुलर का मतलब जैसे अगर एक लाइन इस तरह बनी हुई है तो दूसरी लाइन इस तरह बनी हुई है, वो पास तो ओरिजिन से ही कर रही है दोनों लाइंस, लेकिन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो तकरीबन सब टॉपिक डिस्कस कर लिए, एक दो बस टॉपिक रह गए। यहां तक मुझे बताओ बात समझ आ गई है सबको? सर क्या लिखा है आपने नेचर ऑफ लाइन, सही नजर नहीं आ रहा। नेचर ऑफ लाइन मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में था। ये वर्ड मुश्किल है, इसको याद ना भी करो तो मैटर नहीं है, असल चीज़ आपको एच स्क्वायर माइनस ए भी पता होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाली कंडीशन, इक्वल टू जीरो है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बात? कौन है तो मैं जब पूछ रहा था तब कहाँ पे था ये? लेट मी इन सर, अब मैं इसको एंटर नहीं कर सकता, मैं कैसे एंटर करूँगा, मैं रिमूव किया हुआ है। मैंने आप लोगों के सामने दो दफ़ा पूछा, मैं क्लास इसी पे थोड़ा लगा दूंगा, मैं पूछता रहूँगा भाई नाम बताओ नाम बताओ। एक दफ़ा जब आप जूम से रिमूव हो जाओ फिर आप दोबारा ऐड नहीं कर सकते उसको। अभी मीटिंग एंड होगी, जब दोबारा होगी तभी वो ऐड होगा, बंदा अभी नहीं हो सकता। खैर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दो टॉपिक और हैं इसके, एक है एंगल बिटवीन लाइन का और दूसरा एक और है। तो एंगल बिटवीन लाइंस देख लेते क्या होती हैं, मतलब अब बात की जा रही है इन दो लाइंस के दरमियान एंगल की। ये वो वाला फॉर्मूला नहीं है जो आपने पहले सेकेंड चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो तो कोई भी दो लाइंस होती थी। ये वो दो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हैं, उनके दरमियान अगर एंगल निकालना हो, और वो भी कि जब उनकी जॉइंट इक्वेशन गिवन है, तो तब कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला है टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। बहुत इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर, आपको बोला जाए कि यार ये जिन दो लाइंस की ये जॉइंट इक्वेशन है ज़रा बताओ उनके दरमियान एंगल क्या है, तो बस आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। ए यहाँ पे 1 के बराबर है, 2h से आप h की वैल्यू निकाल लोगे, और b भी आपको पता है। बस इस फॉर्मूले में आपने पुट करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करना, कैलकुलेटर आपको इस पूरी चीज का आंसर दे देगा। उसका आप टेंजेंट इनवर्स मालूम करना, आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ये उन दो लाइंस के दरमियान है जो ओरिजिन से पास कर रही हैं, जिनकी जॉइंट इक्वेशन आपको गिवन होगी, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करोगे। और बस आखिरी टॉपिक अब, वो टॉपिक ये है कि अगर आपको एक गिवन जॉइंट इक्वेशन है पता है आपको, जैसे मैं कंसीडर करता हूं लेट कर लो ये दो जॉइंट इक्वेशन है, इनकी आपको इक्वेशन गिवन है, कंसीडर कर लेते हैं यार इसकी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3y स्क्वायर, ये इनकी जॉइंट इक्वेशन है, गिवन है आपको पहले से। ठीक है, आपको निकालनी है उन दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन जो इनके परपेंडिकुलर हो। जैसे पहली वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ और दूसरी वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ, ये तो आपको इन दो ब्लैक लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो लाइंस के क्या है परपेंडिकुलर है। तो कैसे निकालोगे,
बहुत ही इजी ट्रिक है, क्वेश्चन तो इसका पूरा बड़ा सा है, लेकिन इसकी ट्रिक ये है कि आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा -3x² और ये हो जाएगा 2y², मतलब इसका 2 था मैंने अब इसका 2 बना दिया, इसका -3 था मैंने इसका -3 बना दिया, और दरमियान में जो टर्म है उसका साइन चेंज कर दो, दैट्स इट। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये उन दो स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन है जो इनके परपेंडिकुलर है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है 3.3 का, अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लेना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, ये जो मैंने टॉपिक बताया था ना ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। 2 में उन्होंने लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन रिप्रेजेंटेड आर परपेंडिकुलर या कोइंसिडेंट, तो आप इन वाली कंडीशन को रख के देख लेना क्वेश्चन नंबर 2 में और आपको पता चल जाएगा पैरेलल कौन सी है कोइंसिडेंट कौन सी है। और क्वेश्चन नंबर 5 है एंगल बिटवीन टू लाइंस का, तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट आप ट्राई कर लेना, बस काफी इतना। हाँ कुछ सवाल पूछा तो पूछ लो। एक सेकेंड, हाँ आप पूछो क्या कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 का पूछ रहे हैं। हाँ तो क्या बताऊँ क्वेश्चन नंबर 3 में, हाँ आपने वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट चेंज करने हैं, आपस में इंटरचेंज करने हैं, और दरमियान वाली जो टर्म है ना उसका साइन चेंज करना है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छा बुक में एक चीज़ थी स्लोप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एकदम से मुझे याद आ गई, अपने ज़माने में मैंने याद की थी, ये बुक में मेंशन है, एग्जैक्ट पेज नंबर 139 के बिल्कुल एंड पे मेंशन है, तो नाम याद कर लो, मे बी अगर नाम से पूछ ली जाए तो ये आपका MCQs तो 5 सेकेंड का है, लेकिन ना पता हो तो कर भी नहीं सकोगे। इस इक्वेशन को स्लोप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। bx² + 2hx + a, तो इसको स्लोप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, तो आप इसको देख लो, इसकी डेरिवेशन भी लिखी हुई है लेकिन डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, ये वही चीज़ है जैसे आप फर्स्ट ईयर में इक्वेशन निकालते थे ना सम ऑफ रूट से प्रोडक्ट ऑफ रूट से, तो ये वही बात है, यहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह सम ऑफ स्लोप और सम प्रोडक्ट ऑफ स्लोप यूज़ किया गया है, तभी जो आपके पास इक्वेशन आई है उसको बोला है स्लोप क्वाड्रेटिक, मतलब कंबाइन उसका किया हुआ है आपने।